अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 जुलाई 2024, फिफ्थ मुहर्रमुल हराम, 1446 हिजरी, 29th हार, मार्केट ओनली 48 पॉइंट्स नेगेटिव, क्यूमुलेटिव इंडेक्स 79,944। और आज हम आपके लिए दो गर्मा गर्म स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं। पहला स्क्रिप्ट हम जो लेके आ रहे हैं PHDL आए, जो कि आजकल बहुत खूब जेरे बहस रहा है। कल हम इसी के ऊपर बहस में थे कि XD होके इसको तो माइनस में खुलना चाहिए, मगर भाईजान ये जीरो पे खुला है, 1.01 पे खुला है और 1.01 पे बंद हो गया है। और इसका है 16,01,62,687 और इसका 52 वीक रेंज देखें 1.01 से 727। इसमें हम इस वजह से तब्जा कर रहे हैं कि इसमें आज बहुत सट्टा हुआ है और सट्टे पे सट्टा है और इसमें अपर लॉक लगा है और एक वक्त में 62,000 to 70,000 का बायर खड़ा था। बायर क्यों खड़ा था? इस वास्ते कि देखिए, पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड के एसेट्स हैं, इनका एसेट था रीजेंट प्लाजा होटल, वो बिक गया है, 14 अरब का बिका है या 18 अरब का बिका है, खैर जो भी है, ये पैसे तो आपको शेयर होल्डर्स को इक्विटी में आ जाएंगे। उससे पहले आपको 725 रुपए का डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है। जब आपको 725 रुपए का डिविडेंड, सपोजिंग मैंने कल थोड़े से शेयर लिए हैं, मैंने 725 का डिविडेंड खाऊंगा, 15% निकल जाएगा, 680-690 वो मिल जाएगा, तो फिर भी मैंने आया तो मेरे तो पैसे अपने की जगह। मगर प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा चैमा गई थी कि इसका जो बुक क्लोजर है वो आज फ्राइडे को था, मगर इसका बुक क्लोजर एक दिन पहले हो गया। खैर, अब मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस सुन लीजिए। इस वक्त इसमें सख्त सट्टा होगा और सट्टा होता जाएगा, और जिंदगी में पहली बार, फिर नोट कर लें, मेरी जिंदगी में पहली बार कोई शेयर 10,000% पॉजिटिव हुआ है। ये बात काबिले फहम है और समझने वाली है कि 1,10,000 times ये एस्केलेट हुआ है। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी सारे तजिए गलत हो गए और मेरा तजुर्बा भी गलत हो गया। तो बहरहाल, अब मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस सुन लीजिए। PHDL 1.01 रुपए बंद हुआ, वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक रहेगा, मगर ये याद रखिएगा कि अब ये कंपनी लिक्विडेशन के पर जाएगी या वाइंडिंग के पर जाएगी। तो लिक्विडेशन में यही होगा कि इसके जो शेयर्स हैं या तो बायबैक होंगे या सारे शेयर्स कंपनी खरीद के इसको कंपनी को लिक्विडेट कर देगी। अभी भी जान है, मगर इस जान के साथ जहान होना चाहिए। जहान का क्या मतलब? आप वेट कर लें, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो दिसंबर है और जून है, तो जून आ चुका है और जून में अगस्त सितंबर में ये फिर कोई ना कोई डिविडेंड पहले तो दे चुका है, कोई ना कोई सेटलमेंट होगा। तो इसमें यही कहूंगा, एक भागते चोर की लंगोटी सही, वो आपको मिल जाएगी। अब मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस सुन लीजिए। अगर आपको शेयर 1 रुपए 2 रुपए मिलता है लेके रख लीजिए, मगर प्लीज आराम से बैठें। ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाला है। शायद आपको 3-4 महीने में आपके जो पैसे डबल हो सकते हैं और शायद आपके पैसे खत्म भी हो सकते हैं, दोनों तरफ है, क्योंकि इनके एसेट्स मुझे नहीं पता। इनकी जो रिपोर्ट आएगी ना जून की, वो मैं अच्छी तरह एनालाइज करके कि मैं देखूं कि एसेट्स कितने हैं, इनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, उसके ऊपर फिर मैं फाइनल तजिया दूंगा। बहरहाल, अभी ले लीजिए, आराम से रख लीजिए, क्या पता ये आपको सैर करा दे। हमेशा मैं कहता हूं, प्लीज डू योर ओन होमवर्क बिफोर परचेजिंग, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो थले थले,
फायदा हुआ तो बल्ले बल्ले। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस व्लॉग। इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वस्सलात वस्सलाम खातम नबी।